morning, students. Today, once again, we are talking about our 9th class geography portion. And in this video, we are talking about chapter 2, physical features of India. Okay. In previous video, you have seen the location and size of India's countries. And which is the neighboring country of India, and what is the boundary of coastline and landmass, it's also told in previous video. But in this video, we are talking about the physical features of India. In India, which type of land are there, and which type of features are there. So, we can try to understand about in this video all the things. So, let's start now. अगर हम बात करें कि इंडिया की फिजिकल फीचर्स, तो इंडिया की फिजिकल फीचर्स की अगर बात करें, तो इंडिया में सबसे पहले क्या क्या होता है, किस तरह से उसका फॉर्मेशन हुआ, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे बनी, और किस किस तरह से आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि लैंड फॉर्मेशन कहाँ पे बनी और माउंटेन कैसे आए थे, जिसमें हिमालय हो गया, इन सभी के बारे में आप इसमें देखने को जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लैंड फॉर्मेशन हुआ, उसके पीछे जो रीजन था, उसको समझने के लिए हम थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक पढ़े हैं। अब थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक की अगर बात करें, तो इसको जो बनाने वाला थे, इस थ्योरी को देने वाले थे, वो टेक्टोनिक थे, सर जॉन टेक्टोनिक थे। उनके द्वारा जो दी गई थ्योरी है वो प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी थी। इस थ्योरी में क्या था, इस थ्योरी में जो प्लेट्स होती है, फोल्डिंग होती है, फ्लटिंग होती है, और या फिर हम बात करें कि जितने भी जो लैंड फॉर्मेंट होते हैं, वो फ्लडिंग के द्वारा, फॉल्टिंग के द्वारा, बालकनिक एक्टिविटी के द्वारा होते हैं। या फिर हम बात करें प्लेट टेक्टोनिक की जो थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक की जो थ्योरी है, वो थ्योरी में होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो अपनी अर्थ सरफेस होती है, उस अर्थ सरफेस से बहुत ज़्यादा गहराई में अंडरग्राउंड में कुछ प्लेट्स होती है, जो मेटल्स की बनी होती है, वो मेटल्स की प्लेट्स होती है, वो बैलेंस बनाने का काम करती है, अपनी अर्थ का बैलेंस बनाने का काम करती है। तो बैलेंस किस तरह से बनाती है, वो बैलेंस इसलिए बनाती है कि किसी भी तरह से अर्थ में डिसबैलेंस ना हो। या फिर हम बात करें कि एक साइड वाटर है, एक साइड माउंटेन है, तो माउंटेन अगर हम धीरे धीरे उस माउंटेन को काट करके दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं, तो वो ऊपर नीचे होगी या डिसबैलेंस होगा, तो उस डिसबैलेंस को बनाने के लिए हमारे यहाँ पे प्लेट मूव करती है, कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे घूमती रहे, उसको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसलिए प्लेट होती है, वो मूव करती है। अब ये प्लेट्स मूव करती हैं, तो कौन कौन सी डायरेक्शन में प्लेट्स आपकी मूव करती हैं, ये करती हैं नॉर्थ सॉरी ईस्ट टू वेस्ट, या वेस्ट टू ईस्ट, या अप एंड डाउन, मतलब इधर भी घूम सकती है, इधर भी आ सकती है, या अगर उनको जगह नहीं मिली तो वो एक के ऊपर चढ़ सकती है। मतलब छोटा सा एक एग्जांपल दूं मैं, जैसे ये अर्थ है और इसको बैलेंसिंग करना है, तो इसके लिए आपके यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए सब माउंटेन भी होना जरूरी है, तो वाटर भी जरूरी होता है। अगर वाटर का लेवल ज़्यादा हो गया तो फिर भी बैलेंस बेकार हो गया, माउंटेन का जो लेवल है वो कम हो गया, तो सब भी बैलेंस खत्म हो गया, ख़राब हो गया। इस बैलेंस को बनाने के लिए ये प्रोसेस दी गई थी। इसमें क्या होता है कि जिधर बैलेंस बिगड़ गया, जिधर वेट कम हो गया, उधर से वो प्लेट मूव करती है। तो प्लेट मूव करती है तो क्या होता है, एक शिफ्टिंग होती है, और एक शिफ्टिंग होने के साथ साथ में हमारे यहाँ पे लैंडस्लाइड होना, अर्थक्वेक आना, ये नॉर्मल देखा गया, क्योंकि जब अर्थ के अंदर किसी भी तरह की कोई जियोलॉजिकल प्रोसेस होगी, तो जियोलॉजिकल प्रोसेस का असर आपके सर्फेस पे देखने को मिलेगा, और इसी की तरह से हमारे यहाँ पे लैंड फॉर्मेशन होती है। ये तो आपकी प्लेट टेक्टोनिक की जो थ्योरी है, उसमें आपको पता चल गया कि हमारे यहाँ पे जो प्लेट्स होती हैं वो मूव करती है, ये शिफ्ट होती है, तो शिफ्ट होने की जो प्रोसेस है वो प्लेट टेक्टोनिक में आता है। उसके साथ साथ ये प्लेट टेक्टोनिक का ही एक एग्जाम्पल था कि हमारे यहाँ पे गोंडवाना लैंड, जो पहले इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सारे जो पार्ट है, वो सारे एक जगह पे हुआ करते थे, और वो एक ही पार्ट पे थे, सिंगल लैंड था उनका, और ये सारे जो कंट्रीज है, कॉन्टिनेंट्स है, ये सारा एक पार्ट में मिला हुआ था। जब इनका जो डिवाइडेशन हुआ या इनका शिफ्टिंग हुई, इनके अंदर जो फॉर्मेशन हुए, इनके अंदर जो चेंजेस आए अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो भी हमारे यहाँ पे चेंजेस आए, तो उससे ये हो गया कि इंडिया अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, साउथ अफ्रीका अलग हो गया, अंटार्कटिका अलग हो गया, अमेरिका अलग हो गया, सारे जो रीजन थे अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड हो गए। वो डिवाइड होने के पीछे जो रीजन था, वो रीजन सिर्फ और सिर्फ प्लेट का शिफ्टिंग होना ही था, इसलिए इंडिया अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, साउथ अमेरिका अलग हो गया, और साउथ अफ्रीका अलग हो गया। उसी तरह से एक और रीजन अगर बात करें, एक और कंडीशन अगर हम बात करें कि इंडिया में और लैंड फॉर्मेशन किस तरह से हुई, तो लैंड फॉर्मेशन होने के साथ साथ आपको एक और चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे आज के टाइम में आपके यहाँ पे हाईएस्ट पीक आपके हिमालय में आपको देखने को मिलेगी, तो हिमालय की अगर बात करें,
तो कोई रीजन था, कोई टाइम था, या कोई कोई ऐसी कंडीशन थी कि हिमालय की जगह पे पहले एक ओशियन हुआ करता था, वो ओशियन होता था टीथे ओशियन होता था, उस टीथे ओशियन में किसी तरह की कोई मूवमेंट हुई या इसी तरह का जो प्लेट शिफ्टिंग हुआ, तब वहाँ पे जो शिफ्टिंग होने की वजह से ये हुआ कि जो एक ओशियन था वो ओशियन धीरे 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 जो प्लेट टेक्टोनिक की प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे ऊँचा उठा, और इतना ऊँचा उठा कि आज वो वर्ल्ड हाईएस्ट पीक के अकॉर्डिंग वो जाना जाता है, या उसमें ही पीक्स आती हैं जो हमारे यहाँ पे ऊँची ऊँची पीक्स यहाँ पे बनी है। इसके पीछे जो रीज़न था मैंने आपको जब से बताया कि जो प्लेट शिफ्ट होती है मतलब क्या हो, एक तरफ तो गड्ढा हो गया और एक तरफ गड्ढा नहीं, और एक तरफ गड्ढा हो गया और एक तरफ वो ज़मीन उठ गई। जैसे सपोज दैट यहाँ पे आप प्लेट इधर शिफ्ट करें, तो शिफ्ट करने के बाद भी क्या हुआ, जैसे जैसे शिफ्ट हो रही है तो शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे जो प्लेट है आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने के बाद ये वाला जो एरिया है यहाँ पे जो शिफ्ट होने के बाद जो प्लेट आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने के बाद जहाँ पे ये घुसी और वो वाला एरिया ऊपर हो गया, ऊपर हो गया तो इतना ऊपर हुआ कि वो माउंटेन बन गया। और ये वाला जो एरिया जहाँ पे शिफ्ट करने के बाद यहाँ की प्लेट्स आगे बढ़ गए, यहाँ पे जो खाली हो गई, तो हो सकता है उस कंडीशन में या दूसरी जगह पे ये भी होता है कि कई बार आपने देखने को मिला होगा कि ज़मीन किसी सडन मोमेंट में वो धस गई और एक लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा हो गया, तो वो भी इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है। लैंडस्लाइड भी इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हिमालय जो आज के टाइम में हमारे पास जो एक हाइस्ट पीक के अकॉर्डिंग है, एक बड़ा माउंटेन है, वो भी पहले ओशियन हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हिमालय की कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं, या हिमालय की बाउंड्री के बारे में बात करें, या हिमालय के जो क्लासिफिकेशंस हैं उनके बारे में बात करें कि उनको किस तरह से डिवाइड किया गया। तो आपको सबको पता है कि जो हमारा नॉर्थ वाला जो पार्ट है वो हिमालय से कवर है, आपका इंडिया का जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो हिमालय से कवर है। तो उस कवर होने वाले जो हिमालय की अगर बात करें तो बहुत लंबा चौड़ा हिमालय है आपके यहाँ पे, जो यहाँ से लेके स्टार्ट होकर आपके यहाँ पे नागा हिल्स तक जाता है, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर नागा हिल्स तक जाता है, पंजाब हरियाणा वगैरह जो भी जाता है, इसे अटैच होते हुए पंजाब से, हिमालय से, नेपाल से, भूटान से, चाइना से, इन सभी से अटैच होता हुआ काफ़ी लंबा चौड़ा ये माउंटेन है। इस माउंटेन को और सिंपल वे में अगर हम समझें तो इसको तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। तो फर्स्ट कैटेगरी ये हो गई, सेकंड कैटेगरी ये हो गई, और थर्ड कैटेगरी इसकी ये हो गई। तो फर्स्ट वाली कैटेगरी जिसको हम बोल सकते हैं हिमाद्री, फर्स्ट वाली जो कैटेगरी जिसमें हमने हिमालय को डिवाइड किया उस कैटेगरी को हम बोल रहे हैं हिमाद्री। तो हिमाद्री में आपने क्या किया, हिमाद्री को जो समझ रहे हैं या हिमाद्री के बारे में जब हम बात करें तो सबसे पहले इसकी लेंथ की बात करते हैं। हिमाद्री की जो लेंथ है वो है 2400 किलोमीटर, हिमाद्री की जो लेंथ है वो है 2400 किलोमीटर, और इसकी जो हाइट है वो है 6000 meters, इसकी जो हाइट्स है वो है 6000 meters। इधर की अगर बात करें तो हिमालय वाला जो पंजाब वाला हिमालय, इस इधर की जो बात करें इसकी जो विड्थ है वो विड्थ है इसकी यहाँ पे कितनी 400 किलोमीटर, और इधर की अगर बात करें जो आसाम वाला जो ये वाला जो इलाका है बिहार वगैरह वाला, तो इधर की अगर इसकी जो विड्थ की अगर बात करें तो ये 150 किलोमीटर की इसकी विड्थ है, ठीक है। ये तो हो गया आपका हिमाद्री। यहाँ पे कुछ रिवर्स भी ओरिजिनेट होती हैं और उसके बारे में हम आगे जैसे जैसे अभी कंटेंट आगे चलेगा तो उसमें हम पढ़ रहे हैं। ये तो फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड, अगर सेकेंड के डिवाइडेशन की अगर बात करें या सेकेंड इसका क्लासिफाई किया गया तो उसको बोला आपने हिमाचल, उसको बोला है आपने हिमाचल। और इसी की तरह से अगर हम इसकी लेंथ की अगर बात करते हैं तो इसकी लेंथ होती है 3700 किलोमीटर से लेके 4500 किलोमीटर तक इसकी लेंथ होती है, ठीक है। अगर इसकी विड्थ की अगर बात करें तो इसमें 50 किलोमीटर इसकी विड्थ है, इसमें कोई हाइस्ट पीक नहीं है जिसका कोई मेजरमेंट नहीं दिया गया। उसके बाद में जब हिमालय को आगे और बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ने के साथ साथ आपने इसका क्लासिफिकेशन किया है थर्ड नंबर पे, वो आ रहा है सी वाले। फर्स्ट नंबर पे तो हिमाद्री हो गया, सेकंड नंबर पे हिमाचल हो गया, थर्ड नंबर पे शिवालिक हो गया। अब इस शिवालिक में आपने क्या पढ़ा, शिवालिक में आपने यहाँ पे देखा है कि सबसे पहले हम इसको वापस से जैसे इन दोनों को देखा था उसी तरह से आपने यहाँ पे भी इसकी लेंथ देखी, तो इसकी लेंथ आ रही है 900 किलोमीटर से लेके 1100 किलोमीटर तक इसकी लेंथ है। और लेंथ होने के साथ साथ अगर इसकी विड्थ की अगर बात करें तो इसकी विड्थ में आपने दिखाया गया है 10 to 50 किलोमीटर की विड्थ है जो आपके यहाँ पे शिवालिक के नाम से जानी गई है। तो कहने की कंडीशन ही आया, कहने का जो मीन आ रहा है जो आपका जो हिमालय है इस हिमालय को आपने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट हिमालय की अगर बात करें तो हिमाद्री कहला दिया, सेकंड हिमालय की अगर बात करें तो हिमाचल हो गया, और थर्ड जो कैटेगरी में डिवाइड किया था इसको शिवालिक हो गया।
ये तो आपका ये लेंथ के अकॉर्डिंग हो गया, बट इसको और भी आगे से बात कर रहे हैं, और भी डिवाइडेशन की अगर बात करें तो इसको ब्रीथ के अकॉर्डिंग या इसकी इसके फोर डिवाइडेशन और कर दिए गए हैं, इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग इसके फोर डिवाइडेशन कर दिए गए। जो पहला डिवाइडेशन किया गया उसको पंजाब हिमालय बोला गया है, यहाँ से कुछ रिवर्स निकलती है, पंजाब हिमालय है यहाँ से कुछ रिवर्स निकलती है, और रिवर कौन कौन सी निकलती है तो मैं आपको बता दूँ, पंजाब हिमालय से रिवर्स निकलती है तो इंडस और सतलुज रिवर्स आपके यहाँ पे निकल रही है। दूसरा इसका जो सेक्शन आपने किया वो होता है कुमाऊँ, कुमाऊँ जो डिवाइडेशन किया गया, कुमाऊँ का जो क्लासिफाइड किया गया, यहाँ से भी दो तरह की रिवर्स यहाँ पे निकल रही है, जैसे सतलुज आपको यहाँ पे पंजाब हिमालय में मिली थी वही सतलुज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और इसके साथ साथ में एक और जुड़ गई है वो है काली। चलो उसके बाद में जो थर्ड डिवाइडेशन किया गया, तो थर्ड डिवाइडेशन आपका यहाँ पे नेपाल है, थर्ड डिवाइडेशन आपका नेपाल है, इस नेपाल में कौन कौन सी रिवर्स आपकी यहाँ पे निकल रही है, तो नेपाल में काली निकल रही है और तिस्ता निकल रही है, काली निकल रही है और तिस्ता निकली है। फोर्थ अगर बात करें तो फोर्थ वाले जो कंडीशन की अगर बात कर रहे हैं, जो फोर्थ वाला जो सेक्शन बचा है उसको आसाम वाला हिमालय बोला गया, और आसाम वाला हिमालय की बात करें तो उसमें जो रिवर्स आ रही है वो रिवर कौन कौन सी आ रही है, तो तिस्ता जो यहाँ पे थी वही तिस्ता है मैंने यहाँ पे लिख दिया, और एक अगली जो रिवर है वो दिहांग, वो रिवर भी आपके यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो कहने का मीन वापस इसको समराइज देख लेते हैं, जब आपने नॉर्थ माउंटेन की बात करें तो नॉर्थ माउंटेन में या नॉर्थन वाला जो हिमालय है जिसको हिमालय बोला गया है, इसको जब क्लासिफाइड किया गया तो तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, हिमाद्री हो गया, हिमाचल हो गया, शिवालिक हो गया। हिमाचल की या हिमाद्री की मैंने लेंथ बताया 2400 किलोमीटर हो गया, इसके जो हाइट है वो 6000 मीटर्स हो गई, इसकी इधर वाली जो हाइट है विड्थ है वो 400 हो गई, इधर वाली जो विड्थ है इसकी 150 किलोमीटर हो गई। इसका दूसरा सेक्शन हिमाचल हो गया, इसकी 3700 किलोमीटर से लेके 4500 किलोमीटर तक इसकी लेंथ है, और इसकी हाइट है वो है 50 किलोमीटर, या इसकी विड्थ है कि अगर बात करें तो इसकी 50 किलोमीटर हो गई। थर्ड हो गया शिवालिक, 900 to 1100 इसकी किलोमीटर इसकी लेंथ है, और इसकी विड्थ है वो है 10 to 15 किलोमीटर। वैसे डिवाइडेशन यहाँ पे फोर्थ में किया, फर्स्ट वाला हो गया पंजाब हिमालय, तिस्ता सॉरी इंडस और सतलुज रिवर यहाँ निकल रही है, दूसरा हो गया हमारे यहाँ पे कुमाऊँ हिमालय जिसमें सतलुज और काली रिवर निकल रही है, थर्ड वन नेपाल हो गया जिसमें काली तिस्ता रिवर निकल रही है, फोर्थ वन आपका हो गया आसाम जिसमें आपको तिस्ता और दिहांग रिवर आपके यहाँ पे निकल रही है। सो ये आपका जो नॉर्थ सॉरी हिमालय वाला जो पार्ट है ये हिमालय वाला कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आप चलते हैं आगे, तो आगे जो आगे आने वाला जो कंटेंट है उसमें आप पढ़ रहे हैं नॉर्थन प्लेन्स, क्योंकि इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स पढ़ रहे हैं तो फिजिकल फीचर्स में सबसे पहला जो फीचर्स था वो हिमालय था, द ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय को मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, और सेकंड जो फीचर्स था वो था नॉर्थन प्लेन्स। अब नॉर्थन प्लेन्स का जो कंटेंट आ रहा है तो उसमें आपको सबसे पहले जैसे प्लेन्स की अगर बात की तो प्लेन्स होता क्या, तो प्लेन्स होता है जो रिवर्स के द्वारा या रिवर्स की जो ट्रिब्यूटरीज होती है उनके द्वारा जो सिल्ट लाकर कहीं किसी एरिया में किसी फार्म एरिया में या किसी प्लेन एरिया में डिपॉजिट कर दिया गया है तो वहाँ पे वो एलुवियल सोइल बनी है, तो वो एलुवियल सोइल यहाँ पे जो बनने वाली जो एरिया है तो उसी को आपने यहाँ पे नॉर्थन प्लेन कहा है, या फिर हम कहें कि इंडस रिवर के द्वारा गंगा रिवर के द्वारा और ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा या और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है इनके द्वारा जो सिल्ट लाके जो फर्टिलिटी लाके जो डिपॉजिट की गई और डिपॉजिट करने वाला जो जितना भी जो एरिया था उस एरिया को आपने नॉर्थन प्लेन्स की अगर उस एरिया को अगर नाम दें या उस एरिया की अगर आइडेंटिफाई करें तो उस आइडेंटिफाई करने के बाद जो उसका पता चला है वो है नॉर्थन प्लेन्स। अब इसमें पूरा का पूरा जो एरिया है वो कितना कवर होता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका एरिया कवर होता है 7 लाख किलोमीटर, इसके द्वारा जो एरिया कवर किया गया है वो है 7 लाख किलोमीटर, ठीक है। इसकी जो जो लंबाई है इसकी जो कितना लंबा है लॉन्गेस्ट कितनी है इसकी, तो इसमें आ रहा है 2400 किलोमीटर ये लॉन्ग है, और इसकी बोर्ड कितनी इसकी चौड़ाई कितनी है तो 242-320 किलोमीटर इसकी बोर्डनेस है। तो ये है आपका नॉर्थन प्लेन्स, और उसके बाद में कि ये किससे अटैच्ड है, ये है आपके पाकिस्तान से अटैच्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स आ रही है, कौन कौन सी रिवर्स के द्वारा यहाँ पे आपको ट्रिब्यूट आपका जो नॉर्थन प्लेन्स है वो बना, तो उसके लिए मैंने आपको पहले यहाँ पे लिख दिया इंडस रिवर है, गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र है, और इनकी ट्रिब्यूटरीज है। इन ट्रिब्यूटरीज के द्वारा गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर के द्वारा जो वहाँ पे डिपॉजिट किया और जो प्लेन बना है वो था आपका नॉर्थन प्लेन्स, ठीक है। उसी के साथ साथ आपकी यहाँ पे एक चीज़ और भी आई थी कि आपकी यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होती है, तो इंडस की ट्रिब्यूटरीज मैंने यहाँ पे लिख दिया, झेलम लिख दिया, चिनाब लिख दिया, रावी लिख दिया, ब्यास लिख दिया, सतलुज लिख दिया, ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है आपको जो आपको नोटबुक में करना होगा, वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज,
दो चीजें मैंने यहाँ पे बता देनी है, एक तो होती है ट्रिब्यूटरीज और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इसके मैं डायग्राम भी बता देता हूँ छोटा सा, वो डायग्राम भी आपको अपनी नोटबुक में मेंशन करना होगा। ट्रिब्यूटरीज होता है देयर इज अ मेन रिवर, इट विल फ्लो इन देयर मेन स्ट्रीम एंड ऑल द सपोर्टर रिवर विल बी मर्ज एंड इट विल बी इंक्रीज देयर वाटर अमाउंट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रिब्यूटरीज। या इसको और सिंपल में करो तो मेन रिवर विल बी मर्ज टू सपोर्टर एंड इट क्रिएट और इट विल बी इंक्रीज देयर वाटर अमाउंट, दैट इज ट्रिब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज की अगर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटरीज में मेन रिवर भी विल बी फ्लो वेन इट विल बी मर्ज इन ओशियन, बिफोर द मर्जिंग ओशियन इट विल बी डिवाइड इन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो इसका एक छोटा सा डायग्राम मैं आपको बता के दिखाता हूँ, तो उसमें आप अच्छे से समझ जाओगे कि क्या था ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज में अंतर, क्योंकि ये डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में बनाने होंगे और ये क्वेश्चन भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना होगा। सबसे पहले आपको ट्रिब्यूटरीज का एग्जाम्पल बताते जाओ, जैसे एक रिवर है, ये रिवर अपनी यहाँ पे फ्लो हो रही है, तो रिवर फ्लो हो रही है तो ये तो इसका मेन स्ट्रीम हो गया या मेन वे हो गया, तो मेन वे होने के साथ साथ में जो भी यहाँ पे दो दूसरी छोटी छोटी जो रिवर्स हैं वो रिवर्स यहाँ पे आके इसमें मर्ज हो जाती है, और मर्ज होने के बाद इनका वाटर अमाउंट इसमें मिलेगा, मर्ज होगा तो इसका अमाउंट बढ़ जाएगा, इसके वाटर अमाउंट में इंक्रीजमेंट हो जाएगा, तो दैट इज द मेन रिवर और दीज आर द सपोर्टर रिवर हेल्पर रिवर। तो ये जो दूसरी जो रिवर्स आके यहाँ पे मिली है, इन रिवर्स को आपने क्या बोला है ट्रिब्यूटरीज, इन रिवर्स को आपने क्या बोला है ट्रिब्यूटरीज। ये तो ट्रिब्यूटरीज हो गया। एक चीज और बता देता हूँ मैं, जैसे इसी से मैं कनेक्ट कर देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटरीज, पर जब ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज का जब आप डायग्राम बनाओगे तो दोनों डायग्राम अलग अलग होंगे। तब यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज का जो डायग्राम यहाँ पे हो गया कि जो जितनी जो हेल्पर रिवर्स होती है वो जाके मर्ज हो जाती है और उसके मेन अमाउंट वाटर का इंक्रीज कर देती है। और डिस्ट्रीब्यूटरीज में क्या होता है कि जैसे मैंने अभी बताया कि जब ये ओशियन में जाके मर्ज होती है तो ओशियन में जाने से पहले ये क्या हो जाती है कि छोटी 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 जो स्ट्रीम्स होती है उन स्ट्रीम में डिवाइड हो जाती है, छोटी छोटी स्ट्रीम में डिवाइड हो जाती है जिससे कि वाटर अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाता है और ये सारा फिर इन्हीं भित्रिकाओं से इन्हीं स्ट्रीम से जाके ये ओशियन में मर्ज होती है। तो ये वाली जो हेल्पर रिवर है इनको तो ट्रिब्यूटरीज बोला गया है और ये जो स्ट्रीम में जो डिवाइड हुआ है इसको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोला गया। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज। द हेल्पर रिवर आर नोन एज ट्रिब्यूटरीज बिकॉज दे विल बी मर्ज इन मेन रिवर एंड इट विल बी इंक्रीज देयर वाटर अमाउंट, एंड व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटरीज द मेन रिवर विल बी मर्ज इन ओशियन, बिफोर द मर्जिंग ओशियन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्मॉल स्मॉल स्ट्रीम एंड वाटर अमाउंट विल बी डिक्रीज, दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड ट्रिब्यूटरीज। एक और चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपकी बुक में जो दिया गया है, आपकी बुक में जैसे जैसे आगे पढ़ोगे तो उसमें दोआब बढ़ेगा, दोआब मिलेगा और डेल्टा आपने पहले से पढ़ा हुआ है, तो डेल्टा का फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे इसी डायग्राम के साथ मैं आपको बता देता हूँ। इसको आपको चार क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में बना देना है, ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज डेल्टा और यहाँ पे मैंने लिखा है दोआब, तो इन सबको आपने अपनी नोटबुक में लिख देना है। तो डेल्टा की अगर बात करें तो डेल्टा का फॉर्मेशन कैसे होता है, डेल्टा का फॉर्मेशन होता है जो ये मैन रिवर जो यहाँ पे फ्लो हो रही है, तो मैन रिवर यहाँ पे फ्लो होने के साथ साथ में कुछ भी जो भी हेल्पर रिवर इसके साथ जो मर्ज होती है तो वहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप लैंड बनता है। कौन सा लैंड बन रहा है यहाँ पे, एक ट्रायंगुलर शेप, ये ट्रायंगुलर शेप जो लैंड है यही डेल्टा कहलाता है। तो इसमें जो डेफिनेशन लिखोगे आप तो उसमें ये लिखोगे ए ट्रायंगुलर शेप लैंड बिटवीन टू रिवर, ए ट्रायंगुलर शेप लैंड बिटवीन टू रिवर इट्स नोन एज डेल्टा। और दोआब की अगर बात करें तो दोआब जैसे मैंने यहाँ पे देख लेता हूँ, दोआब ये दोआब क्या होता है, तो दोआब के लिए मैं छोटा सा एक डायग्राम और बनाता हूँ, उसमें आप अच्छे से समझ जाओगे कि क्या होगा। जैसे ये तो हो गया ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पे आपने एक ट्रायंगुलर शेप लैंड बना दिया और एक रिवर यहाँ पे और फ्लो हो रही है, कोई भी रिवर है, जैसे हम बात करें ये तो गंगा हो गई और ये कावेरी रिवर हो गई। अब एक गंगा रिवर और कावेरी रिवर के बीच का जो लैंड है, गंगा रिवर और कावेरी रिवर के बीच का जो लैंड है उसको बोलेंगे आप दोआब। जो चार डेफिनेशन बताई है उनमें सिर्फ और सिर्फ माइनर डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम है वो फ्लो हो रही है और हेल्पर रिवर मर्ज हो रही है, वाटर अमाउंट को इंक्रीज कर रही है। डिस्ट्रीब्यूटरीज में आपने क्या किया, मेन रिवर फ्लो हो रही है और जब ओशियन में मर्ज होती है तो ओशियन में मर्ज होने के बाद ये अलग अलग स्ट्रीम में बढ़ जाती है और वाटर अमाउंट डिक्रीज हो रहा है,
ट्रिब्यूटरीज में इंक्रीज हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। वही यहाँ पे डेल्टा में क्या लिखा आपने कि एट ट्रायंगुलर शेप लैंड बिटवीन टू रिवर इट्स नोन एज डेल्टा, और दोआब में जब आप डेफिनेशन दोगे तो उसमें लिखोगे एंड लैंड बिटवीन टू रिवर इट्स नोन एज दोआब। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, वापस से समझ लेना कि जब डेल्टा की डेफिनेशन की बात करें तो डेल्टा की डेफिनेशन में तो आप ये लिखोगे एट ट्रायंगुलर शेप लैंड, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप का एक लैंड बन रहा है वो डेल्टा कहलाता है, पर जब दोआब के बारे में बात करोगे तो दोआब दो नदियों के बीच की जगह, मैंने अभी बोला ए लैंड बिटवीन टू रिवर, यहाँ पे भी दो रिवर के बीच में ही है, डेल्टा भी दो रिवर के बीच में बनेगा पर वो बनेगा एक ट्रायंगुलर शेप लैंड, और यहाँ पे जो लैंड का कोई फॉर्मेशन नहीं है, किसी तरह का कोई एंगुलर नहीं है, किसी तरह का कोई उनका शेप नहीं है, किसी तरह का भी होता है रिवर का कोई फ्लो या रिवर का जो स्ट्रीम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे उसका फ्लो बन सकता है। तो ये दोआब हो गया, ये डेल्टा हो गया, ये ट्रिब्यूटरीज होगी और ये डिस्ट्रीब्यूटरीज होगी, ये सारी सारी चीज़ें आपको देखनी होगी और ये सारी सारी चीज़ें आपको बनानी होगी। एक चीज़ और बच गई थी आपकी, जब आप जब ग्रेट हिमालय पढ़े तो ग्रेट हिमालय के साथ साथ में एक छोटा सा कंटेंट था वो मैं भूल गया था, मैं अभी इसको देखा तो मेरे को याद आ गया कि आपके यहाँ पे जब ग्रेट हिमालय जब पढ़ोगे तो उसमें आपको एक पूर्वांचल दिया गया है या पूर्वांचल दिया गया है। तो पूर्वांचल क्या होता है, पूर्वांचल की अगर बात की तो मैं आपको यहाँ पे जब आपने डायग्राम यहाँ पे देखा था तो डायग्राम में सारे सारे ये हिमालय के अभी कुछ पार्ट रिमेन्स हैं जो आपको दिख रहे हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे हिमालय खत्म होता है, हिमालय खत्म होने के साथ साथ में जो आपके यहाँ पे मिजोरम मणिपुर त्रिपुरा आसाम वगैरह जो बसता है तो उन वाले एरिया में और हिमालय जहाँ पे खत्म होता है एक छोटा सा नहर होता है, एक छोटी सी बेसिन होती है, एक छोटा सा वहाँ पे एक वैली है, उस वैली से इंडिया में अंदर आने की जगह को ही आपको यहाँ पे पूर्वांचल कहा। पूर्वांचल मीन्स बिकॉज इट इज लोकेटेड इन ईस्ट साइड, दैट्स व्हाई वी कैन से इन हिंदी ईस्ट इज पूर्व, तो पूर्व से आने वाली जो जगह है तो वही हमारे यहाँ पे पूर्वांचल है, कि हम इंडिया में पूर्व की साइड से आए तो हमारे यहाँ पे जो एक ये एंट्रेंस है तो ये पूर्वांचल है। इसमें आपको पटकाई हिल्स मिल जाएगी, नागा हिल्स मिल जाएगी, मणिपुर हिल्स मिल जाएगी और मिजो हिल्स मिल जाएगी, ये सारी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसी को आपने क्या बोला है, पूर्वांचल। पूर्वांचल कंप्लीट हो गया जो कि ग्रेट हिमालय का एक पार्ट था, यहाँ पे क्या नाम है मैंने आपको बताया नॉर्थन प्लेन्स, ये आपका कंप्लीट हो गया है और इस वीडियो में आपका प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी कंप्लीट हो गई है, गोंडवाना लैंड कंप्लीट हो गया है, तो आधे से ज़्यादा जो चैप्टर है वो आपका इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। और हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, जो मैंने दोआब बनाया बताया है, डेल्टा बताया है, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी बताई है, इनके डायग्राम आप अपनी नोटबुक में मेंशन कर लेना और इनकी डेफिनेशन भी आप इनको मेंशन कर लेना। तो ये सारा सारा आपको मैंने समझा दिया है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।